संसद की कार्यवाही में आज जम्मू कश्मीर का मुद्दा गरमाया हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 के प्रावधान हटाने संबंधी प्रस्ताव को सदन में पेश कर दिया है। विपक्ष इस मामले पर जोरदार हंगामा कर रहा है। इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदन में बयान दे दिया है। बता दें कि कश्मीर में लगातार बदलते हालात के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में नजरबंद किया गया है। इसी दौरान अमित शाह ने तीन बड़े फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है। पहला फैसला, अनुच्छेद 370 हटेगा। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले मुझे बिल पेश करने दीजिए, फिर चर्चा के बाद विपक्ष वोटिंग चाहे तो वो भी कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि भरोसा है कि सदन सहमति से इस बिल को पारित कर देगा। शाह ने कहा कि कश्मीर के हालात पर भी बयान देने के लिए तैयार हूँ। अमित शाह ने सदन में अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प सदन में पेश किया है। इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन बिल भी पेश कर दिया है। सदन में इस बयान के बाद जोरदार हंगामा हो रहा है। दूसरा फैसला, जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग। नए प्रावधान जिसमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन का प्रस्ताव शामिल है, उसके तहत जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया है और उसे भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि 38 बार सदन में ऐसे प्रावधान लाए गए हैं और इस सदन में उसे पेश किया गया है। तीसरा फैसला, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक को पेश किया है। इसके तहत जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है। लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। अमित शाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि यहाँ रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर को अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य में विधानसभा होगी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अपडेट्स। आगे की जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।